Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing set theory, and this is video lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching this part 3. In this lecture, we are going to discuss about subset. So, subset kya hai? Subset kya hai? Aur iske kya kya applications hai? To aaj hum log sikhenge subset ke bare mein, uske baad hum log sikhenge power set ke bare mein. और उसके बाद यूनिवर्सल सेट के बारे में. तो सबसेट क्या है और सबसेट जैसे इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक सेंस के लिए, जस्ट हम सेंस के लिए कह रहे हैं कि सेट का छोटा पार्ट सबसेट होता है. अब छोटा सेट का छोटा पार्ट मैंने कहा, यानी सेट में से ही कुछ एलिमेंट को लेकर के, कुछ या सारे एलिमेंट को लेकर के अगर कोई सेट बना दें तो उसे हम कहते हैं सबसेट. तो अब डेफिनेशन के हिसाब से हम कैसे कहेंगे इसको जरा समझे. सबसेट क्या है, व्हाट इज सबसेट? तो सबसेट के बारे में हम ये डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि सबसेट सबसेट इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स any two sets such that every element of a of set a is an element of set b, then a is called subset of b. a is called subset of b and is denoted by like a is subset of b, like this. Sometimes symbol is like this, aise bhi kar sakte. इसका मतलब ये हुआ है, दोनों में फर्क क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी, और यहाँ है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है, तब भी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे. तो ये दोनों ही सिंबल है, और इसमें ये मतलब हुआ कि बराबर तो नहीं होंगे, हमेशा कम ही होंगे. तो ए को कहेंगे बी का सबसेट, और बी को क्या कहेंगे, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए. ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए लिखा है 1, 2, 3 मान लेते हैं, और बी लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए. इसका मतलब है कि इसके अगर a 1, 2, 3 है, तो इसी तरीके से हम उसके कई सारे सबसेट बना सकते हैं. चाहे कैसे, नंबर ऑफ सबसेट. सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए हैविंग n elements is equal to 2 raised to the power n. कितने होते हैं? 2 raised to the power n. टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 raised to the power n. अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 raised to the power n. जैसे मान लीजिए a एक सेट है जिसमें लिखा है a b c, है ना, ये तीन एलिमेंट है, तो इनके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? सो हियर ए हैज 3 एलिमेंट्स, सो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विल बी 2 raised to the power 3, दैट इज 8. देयर आर 8 सबसेट ऑफ ए, एंड दीज सबसेट आर एक ऐसे हो सकते हैं, ए ये भी एक सेट, इसके सारे एलिमेंट इसमें है. इसी तरह से बी एक सेट है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें है. सी एक सेट हो सकता है, ए बी मिलकर के एक सेट हो सकते हैं.
इसी तरह से ए सी मिलकर के एक सेट हो सकते हैं, इसी तरह से बी सी मिलकर के एक सेट हो सकते हैं, और एक ए बी सी सारे एलिमेंट हैं तो ये भी सबसेट हो सकता है, और तीसरा एक कुछ नहीं खाली खाली है जिसको हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सेट सबसेट, ये भी इसमें है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसके जो भी एलिमेंट है वो इसमें है, इसका मतलब इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ वो नहीं है, है ना, वो है कुछ नहीं तो सब जगह रहता है। तो इस तरीके से टोटल 8 सबसेट हुए। इससे ये पता चला, दो बातें पता चली, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कहते हैं नल सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, नल सेट और वॉइड सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, इज सबसेट ऑफ ऑल सेट सेट्स, ऑल सेट्स, ठीक है ना, इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, एंड यहां पर ए बी सी तो उतना ही है जितना ए है, यानी दिस इज ऑल्सो ए, तो ए इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ ए, सो हेयर दैट इज, यहाँ पे फाई इज, फाई लिख सकते हैं, इज सबसेट ऑफ ए किसी भी सेट के लिए, यानी ए यहाँ पे सबसेट है तो फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, फाई लिखे हैं या ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिखे हैं, बात देखिए। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ ए, याद रहे हम ये इक्वल टू हो सकता है इसलिए ये साइन दिया है, आप ये साइन दे देंगे तब भी चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, एंड फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट, और अगर इसको कट दिया जाए तो इज नॉट सबसेट ऑफ, नॉट सबसेट ऑफ, इस सिंबल का मतलब हो गया, और इस सिंबल अगर ऐसे हो तो इसका मतलब हुआ इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, और इसी से डेफिनेशन जो पिछले दिन हमने बताया था कि इक्वालिटी ऑफ सेट्स की डेफिनेशन आती है, कि इक्वल सेट्स सभी कह सकते हैं, इक्वल सेट्स आर दो सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लॉय ए इज इक्वल टू बी, यानी ये तभी हो सकता है जब ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी होगा, ये बात दिमाग में रखने वाली। तो कोई भी सेट के सारे सबसेट हम लिख सकते हैं, और उस सेट को हम कहेंगे सारे जो सबसेट होते हैं उनका जो फिर से सेट अगर बनाया जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है पावर सेट। तो याद रहे, एक होता है पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए, पावर सेट ऑफ ए को बोलेंगे पी ए, पी ए स्टैंड फॉर पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल ए इज ए सेट मान लेते हैं जिसमें 4 5 6 लिखा है, टोटल सबसेट ऑफ ए, सो सबसेट ऑफ ए आर, सबसेट ऑफ ए आर क्या क्या होंगे, तो एक होगा 4 5 6, 4 5, 4 6, 5 6, 4 5 6, राइट, 4 5 6 एंड फाइव, दीज आर ऑल सबसेट्स। अब इनको फिर एक कर्ली ब्रैकेट में रख दें तो इसको कहेंगे पी ए, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये सबको फिर से एक अलग कर्ली ब्रैकेट में रख दें, लाइक दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये 4 5
6 4 5 4 6 5 6, ठीक है, एंड 4 5 6 4 5 6 एंड 5 और कर्ली ब्रैकेट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। तो ये है, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे, ये सबको एक कर्ली ब्रैकेट में रख दिया अलग से, तो दीज आर कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इसको कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए हुआ सेट ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट लिख लिए जाए और उसको फिर एक सेट में ब्लॉक कर दिया जाए, एक सेट में रख दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। अब देखो यहां पे एक कुछ कुछ हम और लेते हैं, एक होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स की सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल सेट है, लेकिन एक ऐसा सेट जो सुपर सेट ऑफ डिस्कशन दैट कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इन डिस्कशन, ठीक है, तो ये लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इन डिस्कशन, सेट्स इन डिस्कशन, किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सेट होंगे, ठीक है ना, उसका सबका सुपर सेट हो, जैसे इट इज डिनोटेड बाई यू, यू से रिप्रेजेंट करते हैं या ओमेगा से, 1 2 3 4 5 से लेकर के और मान लीजिए कि 10 तक, और एक सेट है जिसमें लिखा है 1 3 5, तो इसके लिए भी सुपर सेट है ना, इसमें लिख सकते हैं क्या, बी कोई सेट हो सकता है कि 2 4 6 8, ये हो सकते हैं, इसका भी हो सकता है ना, 2 4 6 8 इस तरह का, तो इसका भी एक सुपर सेट होगा। इसी तरह से सी अगर एक सेट हो सकता है 1 3 5 7 9, तो इसके सारे एलिमेंट भी इसमें है, तो जितने भी ये डिस्कशन हो वो सारे के सारे का सुपर सेट हो तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट, यानी ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स, दैट इज ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जैसे ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, देखो बी इज सबसेट ऑफ यू, यहाँ सी इज सबसेट ऑफ यू एटसेट्रा, तो इस तरीके का होता है। तो यूनिवर्सल सेट में किसी भी सेट का हम करेंगे तो क्या होगा, वो सबसेट होगा, हाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो ऐसा सेट होता है जो सारे सेट के डिस्कशन, जो डिस्कशन में सेट है उनका सुपर सेट होता है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके आधार पे आप समझ पाएंगे क्या सही क्या गलत। लेट अस सी द क्वेश्चन, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, ये सबसेट एंड इज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस, 2 3 4, पहले वाले के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में है क्या, है, तो इसलिए कहेंगे ये सबसेट ऑफ, ये हो गया ये सबसेट ऑफ, ए बी सी इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो इज नॉट ए सबसेट ऑफ। एक सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल, एक सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल, यहाँ पे भी अगर स्कूल है तो उसमें 11th क्लास के स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे, 11th क्लास के सारे स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए सबसेट हुआ। एक सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, नहीं, ये सारे जो सर्कल है उनकी रेडियस 1 यूनिट हो जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, तो सारे सर्कल की रेडियस 1 यूनिट ही हो जरूरी नहीं है, तो ये सारे इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये सारे इसके अंदर है, ठीक है। एक सच दैट एक्स इज ए ट्रेंगल इन ए प्लेन,
और एक सच दैट इज ये रेक्टेंगल इन ए प्लेन। सारे रेक्टेंगल हैं इसके अंदर, उसके अंदर ट्रेंगल सारे हैं ये नहीं कह सकते। रेक्टेंगल और ट्रेंगल अलग अलग होती चीजें होती है, तो इसलिए ये अलग अलग सेट हुआ। एक सच दैट इज ये इक्विलेटरल ट्रेंगल ऑफ ए प्लेन, एक सच दैट ट्रेंगल इज द सेम प्लेन। तो सारे ट्रेंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है, इसलिए सबसेट हुआ। ट्रेंगल में से ही इक्विलेटरल ट्रेंगल आता है। एक सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नेचुरल नंबर। एक सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर में सब तरह के होते हैं, इवन भी ऑड भी, तो सारे इवन नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर के अंदर आएंगे ही आएंगे, तो यह सबसेट हुआ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, ठीक है? ओके, सो लेट अस डिस्कस इन अदर क्वेश्चंस। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। इसमें ए और बी तो है, तो ये सबसेट है, जबकि ये कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? पांच। उसमें ए और ई तो होते ही होते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि कह रहे हैं कि ये सबसेट है। बिल्कुल सही, 1 2 3, इसमें 1 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये सबसेट कह रहे हैं, जो कि गलत हुआ, सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ये सही है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया सही, और पांचवा क्वेश्चन जो इसमें है वो हो जाएगा ए इज मेंबर ऑफ ए बी सी। नहीं, ये अकेले ए होता, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ का आंसर हो गया क्या? ट्रू। और ट्रू, फोर्थ का आंसर हो गया ट्रू। और फिफ्थ का आंसर जो है इसमें, ए इज ओनली ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। लेकिन जब हम ए को कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये मेंबर ना हो के ये सेट हो जाता है, और सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। यहाँ पे इस तरह का सबसेट होगा, ये मेंबर लिखा है, इसलिए ये गलत है, तो ये भी हो गया फॉल्स। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट अगर लिख दिया है तो इसका मतलब है कि ये सबसेट हुआ। यहाँ पे फिर इस मेंबर का साइन नहीं होना चाहिए था, सबसेट का साइन होना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। एक सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या हो सकते हैं? 2 और 4। एक सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36। 2 और 4 36 के डिवाइजर में आता है, इसलिए सबसेट है, इसलिए ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ए 1 2 एक मेंबर है और 3 4 सेट है, 5 ये भी लिखा है, कौन कौन सा इसमें सही है? 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। नहीं, यहाँ पे 3 4 एक सेट है और एक सेट इस ए का मेंबर है, तो 3 4 अगर ऐसा लिखा है सिर्फ, तो ये होगा सबसेट ऑफ मेंबर ऑफ ए। अगर सबसेट बनाना है तो किसी भी मेंबर को हम कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं तब सबसेट होता है, तो एक और कर्ली ब्रैकेट डालते तब ये ए का सबसेट होता। इसलिए यहाँ पे जो लिखा है वो एक ही कर्ली ब्रैकेट है, इसलिए क्या है? ये इनकरेक्ट है, तो दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, 3 4 इज मेंबर ऑफ ए। नहीं, 3 4, हाँ ये सही है, इस तरह का लिखा हुआ है, इसलिए सही है। एक कर्ली ब्रैकेट के साथ 3 4 एक सेट है और सेट इसका मेंबर है, इसलिए सही है। 3 4 और फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये सबसेट, ये वाली चीज लिखी है, इसलिए सही है। 1 इज मेंबर ऑफ ए, ये सही है। 1 इज सबसेट ऑफ 1 को अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखते तब ये सबसेट होता, अभी एक सिर्फ मेंबर है, तो ये गलत है। 1 को अगर कर्ली ब्रैकेट में भी लिख दिए होते तो ये सबसेट होता, लेकिन 1 अकेले जो है वो क्या है? मेंबर है। अब आगे देखते हैं, 1 2 5 मेंबर्स हैं और इनको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया तो एक सेट हो गए, और ये सेट ए का सबसेट है, ये सही है। 1 2 5 मेंबर ऑफ ए, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, सिर्फ 1 2 5 ऐसे ही स्मॉल ब्रैकेट में होता या कोई और ब्रैकेट होती, लेकिन कर्ली ब्रैकेट को छोड़ करके तो हम उसे मेंबर मानते, या 1 2 5 ऐसे ही लिखा होता, तो दीज आर मेंबर्स ऑफ ए। बट एज लॉन्ग एज वी रीड राइट इट इन कर्ली ब्रैकेट, इट विल बी ए सबसेट ओनली। तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लिख दिया तो ये वाला सही है, और ये मेंबर लिख दिया तो ये गलत है। 1 2 3, 3 अकेले नहीं जा सकता, ये सेट है पूरा, 3 और 4 जहां जाएंगे साथ जाएंगे,
वन टू थ्री सबसेट ऑफ ए, ये गलत है, इसमें फोर नहीं है, थ्री अकेला नहीं हो सकता। फाइव इज मेंबर ऑफ ए, नहीं फाइव यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, यस दिस इज ट्रू। और ये भी गलत है क्योंकि ये फाइव अगर इसमें मेंबर होता उसको फिर एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते तो वो सबसेट होता है ना, जबकि यहाँ पे फाइव मेंबर नहीं है, कई बार सेट में फाइव मेंबर भी होता है, तो इसलिए ये भी गलत हुआ। तो ये कौन सही कौन गलत आप समझ गए हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट होता है, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, जिसमें टू थ्री और फाइव लिखा है, तो यहाँ पे कहेंगे कि फाइव इज मेंबर ऑफ ए, ठीक है, चाहे यहाँ पे कोई दूसरा नाम दे देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है, ये बी कोई सेट है, तो फाइव इज मेंबर ऑफ बी एंड फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी, वो भी सही है, और फाइव को फिर इस कर्ली ब्रैकेट में रखने तो वो भी सबसेट ऑफ बी, ये तीनों ही सही होगा यहाँ पर, क्योंकि फाइव इज मेंबर की हैसियत से भी है, फाइव सारे सेट का सबसेट होता है, इसलिए उस वो भी सही है, और इस फाइव को एक कर्ली ब्रैकेट में रख दिया, यानी एक मेंबर को एक कर्ली ब्रैकेट में रख दिया, तो एक सेट हो गया जो बी का सबसेट भी है, तो ये तीनों ही सही होता। तो इस तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि कब सही और कब गलत होगा। किसी भी मेंबर को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो सबसेट होगा, मेंबर को कर्ली ब्रैकेट में लिख देने से क्या होगा, सबसेट। तो ये चीज दिमाग में आपके होनी चाहिए, ठीक है ना, मेंबर को कर्ली ब्रैकेट में लिख देने से सबसेट होगा, और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फाइव सबसेट ऑफ ऑल सेट, फाइव सबसेट ऑफ ऑल सेट होता ही है, ये तो आपको पता ही है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बी एक सेट है, ये बी सेट है और फाइव सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये सेट बी है ना, बी है ये सेट, और फाइव सबसेट ऑफ ऑल सेट, फाइव इज मेंबर ऑफ बी ऑल्सो यहाँ पे, और फाइव सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो आप कह सकते हैं ये तीनों ही सही है। अब लिखना है सबसेट, यानी क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या लिखना है, सबसेट। तो अभी आपको फॉर्मूला हमने बताया कि टू का पावर एन होता है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब टू का पावर वन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट टू का पावर वन दैट इज क्या होगा, टू। तो इसके दो ही सबसेट होंगे, इसके सिर्फ दो सबसेट होंगे, ए लिखा है एंड सबसेट ऑफ दिस इज, सबसेट ऑफ दिस सेट इज, एक तो सेट खुद ही होता है और एक फाई होता है, एक फाई और एक खुद, ये यही दो सबसेट हो गए। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है ए बी दो है, तो इसमें टू का पावर टू होंगे, यानी फोर सबसेट होंगे, तो ए बी ये हो गए, इसके सबसेट्स आर क्या क्या होंगे, फोर, कौन कौन से, तो एक ए, एक बी और एक फाइव, ये हो गए टोटल फोर सबसेट होंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए उसमें है एलिमेंट्स वन टू थ्री, तो इसके टू का पावर थ्री, तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, इसके सबसेट्स आर क्या क्या होंगे, तो इसके सबसेट होंगे एक वन, एक टू, एक थ्री, है ना, एक वन टू, एक वन थ्री, वन थ्री, एक टू थ्री, एक वन टू थ्री और एक फाइव, ठीक है, तो ये आठ सबसेट होंगे, और चौथा जो पार्ट है इसका वो है फाइव। तो फाइव एक सेट के हैसियत से एम्प्टी सेट है, फाइव, फाइव का मतलब क्या हुआ, खाली है, और खाली है मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो टू का पावर जीरो, और टू का पावर जीरो का मतलब क्या होगा, वन, तो यहाँ पे एक ही सबसेट होगा, वो भी क्या होगा, फाइव, दिस और दिस, आप जो भी चाहे लिख दे, कोई एक ही लिखे, दोनों ना लिखे, तो इसके एक ही सबसेट होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आंसर यहाँ से निकल आए। क्वेश्चन नंबर फाइंड पी ए पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू फाइव लिखा है, तो फाइव है अगर कोई सेट तो उसके कितने सबसेट होंगे, सो द नंबर ऑफ सबसेट इज ओनली वन, यहीं पे है देखो फाइव होगा, और इसको फिर कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये हो गया पी ए, क्योंकि पावर सेट इज
सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो ओनली वन सबसेट, उसको हमने फिर कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो एक सेट हो गया, ये उसका आंसर। टू टाइप्स ऑफ इंटरवल्स आर देयर, वन इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड अदर इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि एक्सटीरियर जो वैल्यू होती है उसको भी इंक्लूसिव होता है, और ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर जो वैल्यू होती है बाउंड्री पे वो इंक्लूसिव नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज इंटरवल्स, एक्स माइनस फोर से बड़ा है और सिक्स से छोटा या बराबर है। तो पहले का आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस फोर ये ओपन इंटरवल है और सिक्स ये क्लोज इंटरवल है, तो ऐसे ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल का सिंबल है और ये जो है ओपन इंटरवल का। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है दोनों तरफ से ये लेस देन है, कहीं इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इंटरवल जो दूसरा होगा वो इंटरवल होगा -12 से लेकर के -10 तक, ये हो गया -10 तक, और दोनों तरफ ओपन इंटरवल ये हो गया। इस इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं, आप एक्स बिलोंग टू लिखें या ना लिखें वो बात अलग है, खाली आपको इंटरवल लिखना है तो आप इंटरवल ही लिखते हैं, ये एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ इंटरवल लिख दें और यहाँ पर एक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा जो सवाल है उसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, और रियल नंबर कहाँ है, 0 से बड़ा या बराबर, तो इधर इक्वल टू भी साइन है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इधर में दोनों इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए और इधर में स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए, है ना। तो ये चीज है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये थर्ड है, इसका आंसर होगा कि ये 0 या उससे बड़ा, तो ये 0 हो गया और 7 से छोटा, तो ये ऐसे ब्रैकेट हो गया। एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा एक्स 3 या उससे बड़ा और 4 से छोटा, यानी 3 भी क्लोज इंटरवल और 4 भी क्लोज इंटरवल, ऐसे यहाँ पे लिखना है फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको लिख सकते हैं पहले वाले को ऐसे, एक्स सच दैट एक्स एज ग्रेटर देन बिलोंग टू रियल नंबर एंड क्या एक्स एज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ये हो गया। दूसरे वाले को लिखेंगे एक्स सच दैट, दोनों क्लोज इंटरवल है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ऐसे यहाँ पे इधर ओपन है इधर क्लोज है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ऐसे। और फोर्थ जो है उसको हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स सच दैट एक्स, ये जो चौथा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 बट लेस देन 5, ये इस तरह से हम इंटरवल में इसे लिख सकते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इक्वल टू भी है और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है इक्वल टू नहीं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा है कि यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट एंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सबके लिए, इन दोनों के लिए हम लिख देंगे सेट ऑफ ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया इसके लिए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ठीक है, किसी प्लेन में सारे ट्रायंगल्स, और उसके अंदर राइट एंगल भी आता है, उसके अंदर कौन सा आता है, उसके अंदर वो ट्रायंगल भी आता है। यहाँ पे लिखे गिवन ए बी सी, ये सब लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर थ्री सेट ए बी सी, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 से 6 तक है, इसमें 5 है, इसमें 10 तक है, इसमें 8 तक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट होना चाहिए जिसमें 5 से लेकर के u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक 5 भी होना चाहिए और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर 11, 12 ये सब भी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये सब भी हो सकते, कम से कम 10 तक तो होना ही चाहिए,
तो इसके आंसर कई हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं आंसर। तो ये था कुछ जो सबसेट और पावर ऑफ सेट और यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे और आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस यू।